जावा पैकेजेस का ये पार्ट 3 है। तो इसके अंदर हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस कंट्रोल का मतलब प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये चारों को एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। जावा पैकेज के अंदर वो उसका यूज़ क्या है देखेंगे। समझो इसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है, तो इसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है तो वो मेंबर उसी क्लास में एक्सेस होगा। कम से कम वही फोल्डर के अंदर उसका सब क्लास जो दिख रहा है भी उसमें भी एक्सेस नहीं होगा। यह सुपर क्लास है या सब क्लास है? तो सुपर क्लास सब क्लास मतलब आप जानते ही होंगे। तो कोई क्लास दूसरे क्लास में एक्सटेंड हो सकता है। जब ऐसा लिखेंगे एक्सटेंड ये बोल के, ये के पूरे मेंबर इसमें कापी होते हैं, तो इसे सुपर क्लास बोलेंगे, इसे सब क्लास बोलेंगे। तो यहाँ जो अदर क्लास जो दिख रहा है वो उसे अदर क्लास बोलेंगे। देखिए यहाँ तरह 5 तरह के क्लासेस दिख रहे हैं। ये क्लास है, इसका ये सब क्लास है। सब क्लास समझो अलग अलग फाइल में सेव होके है, ये अलग फाइल में सेव होके है, ये अलग फाइल में सेव होके है। तो इसके अंदर जब ये क्लास इसके अंदर एक्सटेंड हुआ तो इसे सब क्लास बोलेंगे, इसे सुपर क्लास बोलेंगे। दो भी तो P1 में ही सेव होके है। तो उसके बाद ये भी एक क्लास है, इसे अदर क्लास बोलेंगे। सेम पैकेज अदर क्लास, तो एक ही पैकेज में माने कि एक ही फोल्डर में है बट एक्सटेंड नहीं किया है, अदर क्लास है। इसको बोलेंगे कि इसका यह सब क्लास है अदर पैक, अदर पैकेज सब क्लास, इसको बोलेंगे अदर पैकेज अदर क्लास। तो दूसरे पैकेज में है और उस क्लास से कोई रिलेशन भी नहीं है उसे। अच्छा, इसका प्राइवेट मेंबर को सिर्फ इसी में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक डिफॉल्ट मेंबर है। डिफॉल्ट मेंबर किसको बोलते हैं? जो आप कोई एक्सेस कंट्रोल यूज नहीं करेंगे तब वो डिफॉल्ट मेंबर होता है। डिफॉल्ट मेंबर तो इसका डिफॉल्ट मेंबर इसके सब क्लास में भी एक्सेस होता है, इसके अदर क्लास में भी एक्सेस होता है। बस इसको होना क्या है तो एक ही पैकेज में होना चाहिए कि ये तीनों फाइल, ये तीनों क्लास एक ही पैकेज में सेव होके रहना है, उसे डिफॉल्ट मेंबर। अब तो प्रोटेक्टेड मेंबर की जब बात आई, प्रोटेक्टेड मेंबर इसके पूरे पैकेज में एक्सेस होगा। तो वो अपने क्लास में आ तो एक्सेस होता ही है, सब क्लास में एक्सेस होता है, अदर क्लास में भी आ सकता है, अदर पैकेज के सब क्लास में भी एक्सेस होता है, अदर पैकेज के सब क्लास में भी एक्सेस होता है। इसमें एक्सेस नहीं होगा प्रोटेक्टेड मेंबर। यहाँ पे एक्सेस होना है तो इसका पब्लिक मेंबर ही यहाँ तक एक्सेस होता है। चलिए इसका पब्लिक मेंबर है कहाँ तक एक्सेस होता है? पूरा एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड मेंबर है तो ये पूरा एक्सेस होगा और दूसरे पैकेज के सब क्लास तक एक्सेस होता है। और डिफॉल्ट मेंबर ये पूरा एक्सेस होगा, आप प्राइवेट मेंबर सिर्फ यहीं पर एक्सेस होता है, देख लीजिए। तो ये इसका एक्सेस कंट्रोल है। देखिए एक्सेस सेम क्लास मेंबर, आप चाहते हैं सेम क्लास में एक्सेस हो तो यहाँ प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करिए, वो सेम क्लास में एक्सेस। एक्सेस सुपर क्लास मेंबर इन सेम पैकेज, एक्सेस सुपर क्लास मेंबर इन सेम पैकेज। देखिए इस क्लास इसके मेंबर को एक्सेस जो करता है उसे बोलते हैं सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना। तो एक ही पैकेज का सब क्लास है तो वही पैकेज का सुपर क्लास है उसके मेंबर को एक्सेस करना। एक्सेस अदर क्लास मेंबर इन द सेम पैकेज, जब इसके मेंबर को जब सी एक्सेस करता है उसे बोलते हैं अदर क्लास में एक्सेसिंग अदर क्लास मेंबर्स। एक्सेस मेंबर ऑफ अदर पैकेज सुपर क्लास, अब इसके मेंबर्स जब इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे तो उसे बोलते हैं अदर पैकेज के सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना। अब इसके मेंबर जब इसके मेंबर को एक्सेस करते हैं उसे बोलते हैं कि अदर पैकेज के अदर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना। तो देखिए इसमें अब यहां देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल कितने, एन एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ ए मेंबर कैन बी एक्सेस, एक मेंबर कहां तक एक्सेस होना है, कैसा एक्सेस होना है, वो हमें एक्सेस कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं। जावा एक्सेस स्पेसिफायर आर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जावा आल्सो ए डिफॉल्ट एक्सेस लेवल, व्हेन ए मेंबर इज डिक्लेयर एज पब्लिक देन दैट मेंबर कैन बी एक्सेस बाय एनी अदर कोड इन ए प्रोग्राम, कोई भी एक्सेस करता है पब्लिक मेंबर को। When a member is declared as a private, then that member can be accessed by other member of its class. Same class के member में access होगा, वो same class के members उसके access कर सकते हैं। और protected की बात है, protected member accessed by any member in the same package and the subclass of other package, ये एक package तक तो वो access होता है। हाँ देख सकते हैं, तो इसका protected member यहाँ पूरा access होता है, सब क्लास में भी access होता है, अदर क्लास में भी access होता है, अदर पैकेज में अदर पैकेज का सब क्लास एक्सेस करता है प्रोटेक्टेड मेंबर को। डिफॉल्ट तो यहां देखिए एक्सेस होगा। व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड, जब एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी यूज नहीं करते वो डिफॉल्ट मेंबर, इट रिजल्ट इन डिफॉल्ट एक्सेस लेवल, डिफॉल्ट मेंबर्स एक्सेस एक्सेसिबल विद इन द पैकेज, वो एक पैकेज तक ही एक्सेस होता है। इसका डिफॉल्ट मेंबर इसका यहां तक ही रहेगा, उसका सब क्लास हो उसका अदर क्लास हो एक ही पैकेज, मतलब ये फोल्डर है, ये तीनों फाइलें हैं समझो, इसका
ये जो फाइल में जो है क्लास जो इसका मेंबर को इन्हें एक्सेस कर सकता है, इन्हें एक्सेस जब डिफॉल्ट है। तो एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल ये प्योर एग्जांपल है, जस्ट नाम के लिए कुछ लिखना है इसलिए लिखे हैं। देखिए इसमें तीन तरह के मेंबर मिल लिया, एक डिफॉल्ट है आप कुछ एक्सेस कंट्रोल यूज नहीं करें, एक तो पब्लिक है एक तो प्राइवेट है। अब दूसरा क्लास में देखिए मेन फंक्शन है, जब टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग कि उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें डिफॉल्ट को एक्सेस कर पाए और बी को एक्सेस कर पाए, उसे 20 दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के, मैं ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना पड़ता है, बट 30 को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट है, वो एरर दे देगा। ये क्या है, यहां अच्छा से ध्यान देना। तो यहां पर दो क्लासेस थे, यहां पे दो क्लासेस थे, तो इसे हमें एक फाइल में भी सेव करेंगे, जब कंपाइल करेंगे ये दो फाइल में डिवाइड हो जाएगा। एक फाइल का नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास, जब कंपाइल करेंगे तो दूसरे फाइल बनते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट जावा नहीं रहता है, डॉट क्लास रहता है। दो फाइल बनते हैं, आप पूरा प्रोग्राम एक ही फाइल में सेव करो मगर अंदर में वो दो हो जाते हैं, ये अलग हो जाता है। तो हमारे इसमें कंपेयर करना बोले तो ये कैसा कंपेयर कर सकते हैं, एक क्लास ये है वो सी है, एक्सटेंड तो नहीं करा था ना एक ये, अब एक ही फाइल में भी उसको सेव करेंगे वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। ये है जावा के पैकेजेस। थैंक यू।